जी खुद कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी ने कई बार बयान किया है कि वो साधारण फरियादी में जाएगा जी, उसकी एफ आई आर दर्ज की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी कैसी भी एफ आई आर है उसको दर्ज करो। 48 घंटे होंगे, मैं आ गया, फरियादी आ गया, प्रतिपक्ष के नेता आ गए, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ गए, फिर भी एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी एफ आई आर दर्ज नहीं हुई। लेकिन आपका जो आरोप है उस आरोप पर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो, क्योंकि 20,000 करोड़ के जो टेंडर निरस्त करे वो आपके चहेते फर्मों के होंगे, इसीलिए आप उनको दिलवाना चाहते हो, दबाव बना रहे हैं। चहेती एक भी फर्मों तो मैं राजनीति छोड़ दी, एक। दूसरा, एफ आई आर दर्ज करने में क्या दिक्कत है? झूठी होगी तो एफ आई आर लग के हम पे 182 चल जाए, और मैंने झूठे प्रमाण दिए भ्रष्टाचार के 20,000 करोड़ के, तो मेरे खिलाफ मानहानि करो। मेरे पास सारे कागज हैं, जो वित्त समिति ने रिकमेंडेशन की थी उस पर माननीय महेश जोशी जी भी विराजे हैं, जो करोड़ों का टेंडर भी है जिनको निरस्त करिए। तो आपने जो ऑफेंस तो कर दिया ना, उससे माफ। बैरिकेटिंग के पास में सड़क पर बैठे सांसद मिला, अजी मेरा क्या है कि 48 घंटे हो गए, आप सबको पता है कि दो प्रकरण है। एक प्रकरण तो ये है कि दो फर्मों ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र देकर 900 करोड़ के काम प्राप्त कर लिए, तो उनका तो बनता है फोर्जरी का मामला 420, 467, 471 जो आईपीसी ऑफेंस है, जो इनकी जिम्मेदारी है उनको दर्ज करो। दूसरी एफआईआर वो है कि जानबूझकर सरकार के अधिकारियों ने, जिस पर मंत्री जी भी विराज गए वित्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर, कि वित्त विभाग का आदेश है कि आप पारदर्शिता बरसोगे, आरटीपीपी एक्ट का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। इन्होंने आरटीपीपी एक्ट का वॉयलेशन करके पारदर्शिता खत्म कर दी, जिससे 20,000 करोड़ के टेंडर 30-40% अबो चल गए, पूलिंग हो गई। तो ये मैं मान, ये भी वैसे तो आईपीसी का ऑफेंस, आरटीपीपी एक्ट को दर्ज करना चाहिए, पर नहीं कर रहे हैं, तो उसको एसीबी को भेज दे भले ही, और एसीबी को जो भेजा है वो कॉपी हमें दे दे। और पहला फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज करने का तो इनको ही करना चाहिए, अब ये उसको भी एसीबी को भेज रहे, एसीबी वापस यहां पर भेज देगी, तो वही लटकाने अटकाने भटकाने का काम हो गया। अब मैं शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हूं 48 घंटे से, तो मेरे वहां 4-5 कार्यकर्ता उनको उठा के ले गए, मैंने जो गदड़ा बिछा रखा था उसको उठा के ले गए, तकिया ले गए, चद्दर ले गए, पंखे ले गए, रात को पंखा लगाया था उसको ले गए। सुमित्रा जी आई थी जो हमारी पूर्व स्पीकर हैं, उन्होंने कहा तुम ऐसे नीचे मत सो, कोई सांप वगैरह आ जाएगा, तो अपना पलंग दे गई थी, तो उनका पलंग भी उठा के ले गए। तो ये तो अत्याचार है, ऐसे नहीं होना चाहिए। माना हम कोई अशांति कर रहे थे, कहीं शांति भंग होने की संभावना है, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो, सामान भी जब्त करो, हमको भी उठाओ, सारी गाड़ियों को उठा ले गए, कार्यकर्ताओं को ले गए। तो ये तो इमरजेंसी के हालात पैदा करने पर उतारू हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो इसलिए हैं कि सरकार के बड़े आला अफसर और कुछ मंत्री, कुछ एमएलए और कुछ चुनिंदा ठेकेदारों ने मिलकर राजस्थान को लूटा है, चाहे वो खान का मामला हो, चाहे आईटी विभाग का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन का मामला हो। तो हम माननीय डिप्टी साहब से, विक्रम सिंह जी से कहेंगे कि हमको हमारे धरना स्थल पर जाने दें, एसीपी साहब खड़े हैं, प्रार्थना फिर
फिर कहेंगे इन्होंने साहब हाथापाई करी। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप हमको जाने दो। मेरा धरना स्थल घर से तो मैं आया ही हूँ, इतनी जल्दी घर के नहीं। मैं कोर्ट तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, धरने में कोर्ट थोड़ा परमिशन देगा। वो तो पार्टी तय करेगी किस जरिए किस कानून के तहत ये मुकदमे दर्ज हों। लेकिन पुनः मेरा आग्रह रहेगा कमिश्नर साहब को, एसीबी साहब को और अपने अशोकनगर के इंचार्ज साहब को, इन्होंने पहले शुरू में कह दिया था कि एक को हम एसीबी को भेज देते और एक को हम सीसीटीएन में दर्ज कर लेते हैं। अभी मुकर गए, फिर कमिश्नर साहब ने बुलाया मेरे को, उन्होंने भी कहा कि एक को एसीबी में भेज देते हैं क्योंकि एसीबी का बनता है, एक को सीसीटीएन में दर्ज कर लेते हैं। तो उनको कहीं ऊपर से आया होगा, ऊपर तो एक ही है गृहमंत्री, उन्होंने कहा होगा तो मामला दर्ज नहीं हो रहा। अब ये स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं, कोई जो बिगड़ेगी तो इनकी जिम्मेदारी है। राजस्थान में जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ। आईटी सेक्टर में 5,000 करोड़ घोटाले के प्रमाण मैंने दिए थे और कल मैंने पत्रकार वार्ता करके 66,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया था जनता को। हम उन तीनों मामलों में लेकर मुकदमा दर्ज कराने आए थे। एक दो फर्म तो ऐसी हैं, दो फर्म तो ऐसी साथ में हैं। Thank you.